हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाइपर ट्रेड एसबी। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। दोस्तों, आज आप लोगों को स्टॉक के ऊपर अच्छे से अच्छे लेवल्स बताने वाला हूं। देखिए, मेरे प्रीवियस लेवल्स हैं वही सेम टू सेम लेवल्स हैं दोस्तों, पर जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़े से बड़ी डाउन ट्रेंड आ रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। जो स्टॉक्स को भी लेके डूब रहा है, साथ में नहीं डूब रहा है, सबको मिला के डूब रहा है, सब लोग मिल के ही डूब रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको चार्ट एनालिसिस करते समझा दूंगा। पर आपको और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप पैनिक मत होइए, क्योंकि देखिए वो इंफॉर्मेशन ऐसा ही है कि मैं आप लोगों को पहले से भी अपने पूरे वीडियोस में बताते आ रहा हूं। ये कोरोना वायरस चल रहा है अपने इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड ही चल रहा है दोस्तों, इंडिया के अंदर भी नहीं। देखिए, इसे पैनिक सिचुएशन के अंदर भी जो स्टॉक्स रिकवर हो रहे थे, यानी जो अच्छा सा अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है मार्च से लेके अप्रैल के महीने के बीच में, जो स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई थी, वो निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है दोस्तों हम लोगों को। उसके बाद ही जो निफ्टी रिकवर कर रहा था, स्टॉक्स रिकवर कर रहे थे, वहां मुझे कुछ की दया गड़बड़ है ऐसा कुछ लग रहा था। इसके लिए आप लोगों को पहले से भी बताते आ रहा था कि दोस्तों ये पूरा नेगेटिव शो कर रहा है, आप लोगों को बस झांसा दे रहा है, बइंग करिए, बइंग करिए, बइंग का ही झांसा दे रहा है, आप वो झांसे में मत फंसिए। आप लोग जो वो शो कर रहा है, वो शो पे जाके आप लोग मत देखिए, मत पढ़िए इसके अंदर, ये झंझट में आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूं। और आप लोगों को ये बात भी बता दिया था कि जितना ये रिकवरी कर रहा है अप ट्रेंड जाते हुए, जो निफ्टी 9,500 से लेके 11,000 के नजदीक तक गया था, अब देखिए उसका आधा सा आधा यानी 10,500 या 10,300 भी देखने को मिल सकता है फिर से हम लोगों को निफ्टी, क्योंकि जो इसने रिकवरी बताई है अप ट्रेंड में, अब ये डाउन ट्रेंड में रिकवरी लेगा हम लोगों की दे देख करेगा दोस्तों। अब इसके लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। आप किधर भी कौन से भी स्टॉक में अटके होंगे, चाहे वो SBI हो, इंदुसिंद बैंक, बंधन बैंक, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आप कौन से स्टॉक में भी अटके होंगे, तो दोस्तों एवरेज करने का कोशिश करिए, एग्जिट करने का कोशिश मत करिए। देखिए, मैं इसके अंदर आप लोगों को SBI के अंदर जो टारगेट्स बताया हूँ, लेवल्स बताया हूँ, मेरे फिक्स्ड लेवल्स है दोस्तों, फिक्स्ड कांस्टेंट है, आप वहां तक इस स्टॉक के ऊपर रुक सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रख के ही चलिए दोस्तों। आप लोगों को टारगेट्स अच्छे से अच्छे टारगेट्स अचीव होंगे, आप एवरेज कर लेते जाएंगे तो भी आप लोगों को इसके अंदर डबल प्रॉफिट होगा दोस्तों। देखिए, मैं डबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की भी बात नहीं कर रहा हूँ और नुकसान की भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कैसा करे, किधर करे, चार्ट एनालिसिस करते हुए समझा दूंगा दोस्तों। देखिए, मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने इंट्राडे टिप्स दिए थे, वो उसके दूसरे दिन पूरे के पूरे सक्सेसफुली अचीव हो गए हैं दोस्तों। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो भी, इंट्राडे टिप्स के ऊपर काम करा होगा तो भी, आप लोगों को अच्छा सा अच्छा मुनाफा हुआ होगा। और एक छोटी सी बात है दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये स्टॉक फिर से इसका रिकवरी लेना, यानी जो हम लोगों को अप मूव बताया था 170-164 लेवल से भी, जो 202-204 के लेवल के नजदीक तक भी गया था, जो रिकवरी बताया था, उसका आधा सा आधा लेने के लिए कोई कसूर नहीं छोड़ रहा है या कसर नहीं छोड़ रहा है, हम लोगों को ये लेके ही छोड़ेगा। पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को स्टॉक की लेनी चाहिए, तो हम लोग एक ही काम करेंगे, इसके अंदर एवरेज करेंगे। देखिए, वो एवरेज कैसे करेंगे, किधर करेंगे, कितने प्राइस का एवरेज मूवमेंट होगा, मैं आप लोगों को चार्ट एनालिसिस करके समझा दूंगा। पर अब एक इंपॉर्टेंट बात गौर करके देखिए, इस स्टॉक के ऊपर मैं आपको पहले से भी समझाते आ रहा हूं, 190 से लेके 210 लेवल का मूवमेंट अलग हो गया है SBI का। और देखिए, 190 के नीचे से लेके आप किधर भी स्टॉक नीचे जाए, इसके अंदर मूवमेंट अलग है। वो कैसे, मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। 4 से 5 रुपए का मूवमेंट होगा, प्राइस एक्शन होगा, अगर ये 190 के लेवल्स के नीचे जाता हुआ दिखा, अगर 190 से लेके 210 के लेवल तक ऊपर ट्रेंड यानी अप ट्रेंड मारता हुआ दिखा, तो हम लोगों को इसके अंदर 8 to 10 रुपीज का अप मूव दिखेगा। अब चाहते हैं तो देखिए, मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी इस बात का जिक्र मैं कर चुका हूँ और उसके पहले वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, आप लोगों को वो मूवमेंट भी बता चुका हूँ दोस्तों। अब ये फिर से आ गया है,
4 to 5 रुपीज के मूवमेंट के अंदर, वो भी इसके अंदर। आज के दिन तो दोस्तों पूरा 5 रुपए के नीचे ही ये मूवमेंट दिया है हम लोगों को ट्रेड करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं तो मेरे फिक्स्ड लेवल से दोस्तों 240 से लेके 270 तक, पर आप शॉर्ट टर्म में इसको हटा देना चाहते हैं तो देखिए आप 210 लेवल पे निकाल दे सकते हैं इस स्टॉक को। चलिए वो कैसे होगा वो भी चार्ट एनालिसिस करते हुए समझा दूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं कभी भी पहले चार्ट एनालिसिस करता है, बस आपको कैंडल्स के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करके बात करके। मैं पर्सनली तो आरएसआई पे, मैक्ड पे, मूविंग एवरेज, ऐसे ऑसिलेटर से, इंडिकेटर से, विलियम्स का मैं पूरा करके ही आप लोगों को चार्ट एनालिसिस करता था। पर अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को भी स्टॉक लर्निंग देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए आप भी सीखिए मेरे साथ सीखिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छा सा अच्छा मैं आप लोगों को सिखा के ही छोड़ूंगा। देखिए आज मैं आरएसआई पे बात कर रहा हूँ, अगले महीना मैक्ड और आरएसआई क्लब करके बात करूंगा, उसके बाद मूविंग एवरेज, मैक्ड, आरएसआई ये भी क्लब करके बात करूंगा, उसके बाद बहुत इंडिकेटर्स आएंगे इसके अंदर, पूरे क्लब करते हुए आप लोगों को अच्छा सा अच्छा स्टॉक लर्निंग दूंगा दोस्तों। वो कैसे वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी आज के वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बस मैं आरएसआई पे बात करूंगा दोस्तों। देखिए आरएसआई सिंपल वर्ड में आपको पहले से पता है तो ठीक है दोस्तों, पता नहीं है तो आप खुद समझिए कि सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आरएसआई सिग्नल क्या करता है दोस्तों, स्टॉक ओवरबाय हो रहा है या स्टॉक ओवरसेल हो रहा है, यह हम लोगों को आरएसआई से पता चल जाएगा। मैक्ड से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर बाइंग होने वाला है, सेलिंग होने वाला है, यह हम लोगों को मैक्ड से पता चल जाएगा। मूविंग एवरेज में इसके अंदर हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि वीकली में, मंथली में हम लोगों को कितना दे रहा है, वीकली मूविंग एवरेज के अंदर हम लोगों को कितना निकल के आया है, उसके थोड़े इक्वेशंस होते हैं, थोड़े रेशियोज होते हैं, मैं उस पर आगे चल के बात करूंगा दोस्तों। आज आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर मूवमेंट कैसे मैंने पहले ही पहचान लिया था आप लोगों को लिए। देखिए इसके अंदर 204 के नजदीक जाते जाते जो रिवर्सल लिया है, इसके अंदर मुझे पहले ही पता चल गया था कि इसके अंदर ओवरबाय हो चुका है, अब इसके अंदर गिरावट आएगा ही आएगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गिरावट ही है दोस्तों इसके अंदर। और उसके बाद भी देखिए इसके अंदर मूविंग जो एवरेज चलना चाहिए मूवमेंट, वो मूवमेंट एवरेज ही चल रहा है, पर देखिए इसके अंदर जो ओवरसेलिंग हो रहा है, वो ओवरसेलिंग होने के बाद भी स्टॉक के अंदर अच्छा सा मूवमेंट बन रहा था दोस्तों। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, एवरेज मूवमेंट बन रहा था, उसके बाद ये स्टॉक भी नीचे चले गया था, उसके अंदर सेलिंग ज्यादा हो रहा था। वॉल्यूम में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, इधर का वॉल्यूम देखिए और इधर का वॉल्यूम देखिए, जो 190 से लेके 210 के लेवल के बीच में बना है, इसके अंदर बहुत डिफरेंस है और ये दोनों के अंदर भी बहुत डिफरेंस है दोस्तों। वो कैसे मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ दोस्तों, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको भी सीखना है, मैं आपको कितना सिखाऊंगा मैं भी इसके अंदर उतना एक्सपीरियंस हो जाऊंगा। देखिए मेरा कितना भी एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो गया है दोस्तों। जितना भी मैं गलतियां कर चुका हूँ वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को साथ में लेके चल रहा हूं। अभी भी देखिए इसके अंदर जो एवरेज मूवमेंट के अंदर जो बाइंग हुआ था, उसने आज के दिन ही उसको ब्रेक करा है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक करा है। ये हम लोगों को एक ही इंडिकेशन दे रहा है, एक ही इंडिकेट कर रहा है कि बाय। अभी भी आप लोगों को बाय करने की ही सलाह देता हूं इसके अंदर 210 लेवल के लिए दोस्तों। अभी भी बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म एक हफ्ता दो हफ्ते के अंदर आपको एग्जिट होना है तो 210 लेवल ले लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं तो आप 240 में एग्जिट हो सकते हैं। मेरा लेवल दोस्तों 270 के पास भी है और 240 के पास भी है। और आपको और एक बात बताना चाहता हूँ सिंपल वे में, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, इन्वेस्टर्स भी यही बोलते हैं, 70 के ऊपर गया तो आरएसआई ओवरबाय होगा, 40 और 30 के नीचे गया तो ओवरसेल होगा। नीचे हमको डिप्स में बाई करना चाहिए, हाई में हम लोगों को सेल करना चाहिए। आप ये सिंपल स्ट्रेटेजी भी लेके चल सकते हैं, आपको ऐसा भी अच्छा सा अच्छा मुनाफा होगा। पर आरएसआई में भी कुछ ऐसे डिफरेंस आते हैं दोस्तों, स्टॉक अच्छा बढ़ते रहता है पर आरएसआई के अंदर ओवरसेल होते रहता है। देखिए वो झांसा देता है जो निफ्टी हम लोगों को पिछले 2-3 हफ्ते से दे रहा था कि बाइंग साइड पे स्टॉक जाएंगे, वैसा ही झांसा आरएसआई भी देता है, बस हम लोगों को
फोकस करके चलना चाहिए आरएसएबी की, हम लोग कैसे काम करें, किधर काम करें। दोस्तों आप लोगों को टारगेट समझा चुका हूँ आज के दिन, आपको आरएसआई क्या चीज है, आरएसआई में मूवमेंट कैसा होता है, हम लोगों को कैसे रुकना चाहिए वो भी समझा चुका हूँ, और कैंडल्स के अंदर जो गिरावट आ रही है इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छा सा अच्छा एवरेज मूवमेंट पे चल रहा है वो क्यों चल रहा है वो भी समझा चुका हूँ। दोस्तों अब चले जाता हूँ इंट्राडे टिप्स के अंदर, वो कल के लिए है दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है, जाइए लिंक को हिट करिए और ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। दोस्तों ये जो मैं टारगेट निकाला हूँ ये 16 जुलाई 2020 थर्सडे कल के लिए निकाला हूँ, कल के दिन चाहे ये बाइंग साइड का ओपनिंग ले यानी बाइंग साइड का पोजीशन ले, चाहे ये सेलिंग साइड का भी पोजीशन ले, आप लोगों को टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। आप पहली फुर्सत में क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप पेपर वर्क करना चाहते हैं तो भी पेपर वर्क कर सकते हैं दोस्तों मेरे टारगेट के ऊपर। अब आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, कल के दिन ये बाइंग पोजीशन भी ओपनिंग हुआ या सेलिंग पोजीशन पे भी ओपनिंग हुआ, कौन से भी टारगेट के नजदीक भी ओपनिंग हुआ, आप क्या करिए, बाइंग साइड पे ओपनिंग हुआ तो बाइंग करिए, सेलिंग साइड पे ओपनिंग हुआ तो सेलिंग कर लीजिए। अब देखिए टारगेट्स के पास ये जा रहा है नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, अब देख के सिंपली ट्रेड करिए दोस्तों, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा पैनिक मत होइए कि ये स्टॉप लॉस को हिट कर चुका है, टारगेट को हिट कर चुका है और एक्सपेक्टेड प्राइस पे भी ओपनिंग हो चुका है, बस आप सिंपल वे में ट्रेड करिए। आप टारगेट्स अचीव हो गए तो भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नहीं होगा और स्टॉप लॉस भी होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं होगा दोस्तों, अगर आप ये टारगेट्स लेके चलेंगे तो, क्योंकि ये जो मैं टारगेट्स निकाला हूँ ये टारगेट चार्ट एनालिसिस करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बनाते हुए मैक्ड आरएसआई मूविंग एवरेज पूरे के हिसाब से मैं टारगेट निकाला हूं दोस्तों। अभी भी आपको और एक बार समझा देता हूं, कल के दिन बाइंग साइड भी जाएगा सेलिंग साइड भी जाएगा तो ये वाले टारगेट अचीव हो जाएंगे। आज के दिन मेरे तरफ से इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।